आज आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाया हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर को कैसे बाय और सेल किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं शेयर को कैसे बाय किया, बाय करने के बाद कुछ दिन के बाद मैं उसको सेल किया, प्रॉफिट में सेल किया। और आज को मैं दो ऐसे शेयर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बनते हैं शेयर पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूँगा, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद मेरे पास एक ऐप है, ग्रो ऐप। मैं ग्रो ऐप के माध्यम से जो शेयर है बाय सेल करता हूँ या फिर अपना जो पैसा है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ले चलता हूँ ग्रो ऐप पे। ग्रो ऐप पे आने के बाद आप देखेंगे ग्रो ऐप का इंटरफेस है, एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर में ये आपका जो स्क्रॉल करने पर जो फंक्शन दिख रहा है ये सब आता है। और उसके बाद होल्डिंग है, ये होल्डिंग मेरी बहुत पहले की है, ठीक है। जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके होल्डिंग में शो करता है। उसके बाद ऑर्डर है, यानी ऑर्डर में देखिए मैं अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस का शेयर मैं बाय किया हुआ था पिछले वीडियो में, तो अभी मैं इसको बेचा हूँ तो 621 रुपये बेचा हूँ, तो 32 शेयर थे मेरे पास। तो इस पर जो मेरी प्रॉफिट है वो 150 प्लस प्रॉफिट हुई है, तो मैं निकल गया। उसके बाद यहाँ पर है अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर फिल्टर करके अलग रख सकते हो, जो पेनी स्टॉक्स के शेयर हैं उसको आप अलग रख सकते हो। तो ये जो है अपनी वॉच लिस्ट है। और हम आ गए एक्सप्लोर पे, और जो सबसे नीचे जब आएंगे ना, सबसे नीचे स्क्रीन पर आएंगे आप देखेंगे स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स की डिटेल पूरी दिखाई दे रही है इसमें। सेकेंड में आप आएंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। तो म्यूचुअल फंड में भी वही सिस्टम है, एक्सप्लोर डैशबोर्ड सी वॉच लिस्ट। तो एक्सप्लोर में क्या है, जो आपको ऊपरली जो फंक्शन दिखाई देता है ये एक्सप्लोर का। और डैशबोर्ड में आप आ गए तो डैशबोर्ड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो आप म्यूचुअल फंड में मंथली जो इन्वेस्ट किए हुए कंपनियों में, वो आपके यहाँ पर डैशबोर्ड में शो करेगा। और सिप में ये है कि आपको जो आप जिस भी कंपनी में आप म्यूचुअल फंड ओपन किए हैं या पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो डिटेल है, उसकी जो किस्त की जो डिटेल है कि आपको किस डेट में आपको पे करना है, वहाँ पर आपको पूरा शो करेगा। यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि आप सेटअप ऑटो पे है, इस पर आप ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि हर मंथली जो आप डेट फिक्स करेंगे उस डेट पे आपका जो पैसा होगा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है वॉच लिस्ट है, तो वॉच लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी कंपनी का, यानी कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, पेनी स्टॉक्स हो, गवर्नमेंट शेयर हो, उसको आप एक फिल्टर करके एक अपना एक अलग डाटा बना सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है। तो मेन में आ जाता हूँ, और उसके बगल में पे का है, उसके बाद लोन का है। तो मैं डायरेक्ट आपका टाइम नहीं जाया करूँगा, मैं आता हूँ स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में आने के बाद मैं आपको दो कंपनी के बारे में बताया था कि मैं दो कंपनी का एक्सप्लोर करूंगा आपको। तो सबसे जो पहला कंपनी है वोडाफोन आइडिया है। तो वोडाफोन आइडिया पर हम लोग क्लिक कर दिए। तो वोडाफोन आइडिया पर आप देखोगे कि एक जो शेयर की कीमत है इसके, जो अभी मैंने ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आप देखोगे 13.35 रुपये पर करंटली प्राइस पे अभी जो है इसका जो शेयर है वो अपना अनुपलेट हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे इसका पूरा इंटरफेस है, यहाँ पर आप इसका पूरा डाटा चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस जो भी है, एक दिन का हाई लो जो भी है इसका, मार्केट डेप्थ चेक कर सकते हो कि इसमें बिड टोटल और आस्क टोटल, यानी कि खरीदने वाले कितने आ रहे हैं, बेचने वाले की जो वॉल्यूम जनरेट हो रही है कितनी हो रही है। उसके बाद एक्सपर्ट्स की रेटिंग देख सकते हो, एक्सपर्ट्स जो होते हैं मार्केट के, वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपको शेयर कौन सा बाय करना चाहिए, कितना परसेंट करना चाहिए, होल्ड रखना है कि नहीं रखना है, कि सेल करना है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। फंडामेंटल्स में आएंगे तो मार्केट कैपेसिटी आपको दिखाई देगी। जो वोडाफोन आइडिया है, जो दो कंपनी मर्ज होकर आइडिया और वोडाफोन बन गया था, वोडाफोन आइडिया, तो मर्ज होने के बाद जो अब इनकी करंटली मार्केट कैपेसिटी है वो कितनी है, तो आप देखोगे कि 62,800 जो 94 करोड़ की मार्केट कैपेसिटी है। और बाकी जो डिटेल है ROE, यानी कि जो आपका रिटर्न कितना आ रहा है पर इक्विटी, रिटर्न कितना आता है, तो आप यहाँ पर शो कर रहा है, EPS हो रहा है, डिविडेंड कितना देता है, तो ये सब अगर शो कर रहा है। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपका रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्क, क्वार्टरली, ईयरली दोनों आपको बताएगा, तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को इस शेयर पर क्यों लेकर आया, इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि 18,000 करोड़ का इस शेयर पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि इसका FPO, वोडाफोन आइडिया FPO IPO भी लॉन्च होने वाला है, जो कि 18 तारीख यानी आज से लेकर 22 तारीख लास्ट डेट है इसका। आप इसको इजिली आप ये ले सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ IPO पे, और IPO पे आपको इसका डिटेल दिखाऊंगा। तो देखेंगे आप वोडाफोन आइडिया FPO, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लोज जो है 22 तारीख का है, तो आपको क्या होगा कि 12,980 रुपये पे करने पड़ेंगे
जिसमें से आपको 1298 शेयर मिलेगा यदि आप अप्लाई करते हो, और यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है, यदि शेयर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है। तो इससे पहले क्या है कि आप इसकी एक रेटिंग चेक कर लीजिएगा, और कोई भी शेयर लेने से पहले उसका पूरा फंडामेंटल और जो मार्केट कैपेसिटी है और जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उसके बारे में जरूर सर्च कर लें। क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कहने पर आप शेयर बाय कर लीजिए, क्योंकि कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है और कंपनी के बारे में जाँच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। तो ये है एक वोडाफोन आइडिया का, जो है मैं आपको बोलूंगा कि शेयर को बाय कर लीजिए, आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ होगा, बहुत प्रॉफिट प्रॉफिट होगी। और जो सेकंड शेयर है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो हमारा सेकंड शेयर है वो आप देखोगे यहाँ पर, वो मिड कैप है, मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर का जो मैं है आपको डाटा बताऊंगा। तो जो मैक्स हेल्थ केयर जो कंपनी है, वो हेल्थ केयर का जो वर्क है, काम है, वो देखती है, करती है। तो आप देखो कि सर करंटली जो एक शेयर की प्राइस है 789.55 रुपये पे अभी चल रहा है। उसका परफॉर्मेंस आप नीचे चेक कर सकते हो, उसके बाद मार्केट डेप्थ आप उसका आप चेक कर सकते हो अभी कितना है। उसके बाद एक्सपर्ट्स जो रेटिंग है वो आप चेक कर सकते हो। तो एक्सपर्ट्स रेटिंग आप देखोगे कि बाय 57% है, होल्ड 21% है, सेल 21%, यानी कि जो एक्सपर्ट्स है जो आपको राय दे रहे हैं उसके उसका डिटेल है ये। तो फंडामेंटल्स जो है इसका देखिए, 79,502 करोड़ इसका मार्केट कैपेसिटी कंपनी का। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ले आता हूँ, मैं इस कंपनी का पूरा आपको डाटा दिखाऊंगा। यहाँ आते हैं न्यूज में, जब न्यूज में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटरफेस आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसका डैशबोर्ड पे, कि आप लिखा हुआ है मैक्स हेल्थ केयर टू इन्वेस्ट 2500 करोड़ टू डेवलप हॉस्पिटल्स इन लखनऊ। यानी कि हॉस्पिटल्स में ये 2500 करोड़ रुपये लखनऊ में इन्वेस्ट करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, और आने वाले दिनों में ये बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि एक मंथ में ये कुछ परसेंट नीचे गया है। मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। उसके बाद ये एक दिन पहले का रिपोर्ट है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट टू इन्वेस्ट 5000 करोड़ ऑन डबलिंग बेड कैपेसिटी इन 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए ये 5 साल के अंदर जो है ये 5000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगा अपने जो बेड की जो कैपेसिटी है डबलिंग करने के लिए। तो ये है हमारा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पर आते हैं ओवरव्यू में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दिन में ये लगभग 4% नीचे चला गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ये 8% के करीब ये नीचे गया है, और एक महीने में ये 8% ऊपर गया। यानी कि ये देखकर ये एक महीने का एक दिन का हम देखें तो ये आज सिर्फ ये 4% नीचे गया। तो अपने को क्या करना, मैं इस शेयर को आज बाय करूंगा, बाय करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ बाय पर क्लिक कर दिया। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस दिखाई देता है डिलीवरी इंट्राडे। तो अपने को डिलीवरी में लेना होता है, हमको इंट्राडे में नहीं लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो एनएससी दिखाई दे रहा है और प्राइस मार्केट दिखाई दे रहा है। तो एनएससी बीएससी यानी कि ये दोनों जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में जो कंपनी है लिस्टेड है। उसके बाद प्राइस मार्केट आ रहा है। प्राइस मार्केट में आप देखोगे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है प्राइस लिमिट, यानी कि आप अपने से कुछ भी सेटिंग कर सकते हो मार्केट में। यानी कि अभी जो शेयर की जो वैल्यू चल रही है उस पर खरीदना है कि अपने से कोई आपको एक मार्केट जो प्राइस है आप प्राइस लिमिट लगा खरीदना है तो आप ऐसे खरीद सकते हो। तो डायरेक्ट मैं एनएससी में जाता हूँ कि एनएससी में लिस्टेड है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ मान लीजिए 12 शेयर, तो हाँ खरीद सकता हूँ मैं। 24 शेयर डालता हूँ, यानी कि यहाँ शो कर रहा है कि इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि 20 शेयर मैं खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 20 डाल दूंगा और 20 शेयर मैं खरीद लूंगा। यहाँ पर कट किया मैं और यहाँ पर 20 शेयर ले लेता हूँ, और मैं मार्केट की अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसी पे कर दूंगा मैं। तो मैं बाय कर दिया, बाय किया, और अब देखेंगे कि ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि मेरे आप होल्डिंग में देख सकते हैं कि ये आ गया है, और यहाँ पर इस समय मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे करते करते फिर ये आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है मेन, ये जो मैं आपको बताया, तो मैं लाइव आपको शेयर खरीद के दिखाया जो यूट्यूब पर कोई नहीं खरीदता है। मैं जब भी शेयर बाय करता हूँ तो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो 2 शेयर मैं आपको बताया हूँ ये आगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी कलीग्स आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है नॉलेज की, तो हमारी वीडियो को देखें और लाइक करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद।